हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कारवा का बिल्कुल न्यूली लॉन्च साउंड बार की अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। दोस्तों यार ये जो साउंड बार है ना, ये बहुत तगड़ा है, मतलब तगड़ा क्या है, यूनिक वाला है। देखिए बॉक्स पर दिख रहा होगा, इस पर हमें 2 वायरलेस माइक भी मिल जाते हैं, जो कि यार साउंड बार के हिसाब से देखें ना थोड़ी यूनिक चीज है। मतलब कि दोस्तों आप इस साउंड बार को एज अ पार्टी स्पीकर भी यूज कर सकते हैं एंड म्यूजिक के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, मतलब टीवी वॉचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों यार आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कि यार परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी कैसी हमें मिल जाती है एंड कितने अच्छे फीचर्स हमें मिलते हैं। सो आज की वीडियो में दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। साथ में दोस्तों यार अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 10,500 रुपीज। अगर दोस्तों आपको ये साउंड बार को परचेज करना होगा तो डेफिनेटली आप इस साउंड बार को पीसी मीडिया से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पीसी मीडिया का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। तो दोस्तों यार हम आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, सो प्लीज अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट लेकर आएंगे इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों बॉक्स पर हमें सारे गामा कारवा की ब्रांडिंग मिल जाती है, साथ में म्यूजिक बार के बारे में भी मेंशन करा हुआ मिलता है। दोस्तों बॉक्स पर देखिए हमें मॉडल का पूरा डिजाइन भी बना हुआ मिल जाता है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार बॉक्स पर हमें देखिए 2 वायरलेस माइक मिल जाते हैं, तो देखिए बॉक्स पर भी डिजाइन बना हुआ मिल जाता है वायरलेस माइक का। एंड दोस्तों इस पर हमें कैरियोके का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब यार ये चीज बहुत ज्यादा यूनिक है। आप साउंड बार पर कैरियोके का भी मजा ले सकते हैं, केवल ये साउंड बार है जिस पर हमें ये फीचर देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों बॉक्स के इस साइड पर हमें मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ मिल जाता है। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है SBWK121। ये सारे हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं, इनके गाने जो है दोस्तों इनबिल्ट हमें मिलते हैं इसमें डाउनलोड करे हुए प्रीलोडेड। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। देखिए दोस्तों इस पर हमें 1000 प्रीलोडेड एवरग्रीन सॉन्ग इनसाइड, मतलब कि 1000 गाने हमें साउंड बार के अंदर इनबिल्ट लोड करके मिल जाते हैं। तो यार ये चीज बहुत बढ़िया लगती है, मतलब अगर आपके घर में पुराने लोग हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो क्या है कि लता मंगेशकर, किशोर कुमार, इनके गाने वो एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। साथ में देखिए दोस्तों इस साउंड बार पर हमें FM रेडियो का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बढ़िया है। मतलब साउंड बार पर वैसे मैक्सिमम हमें FM रेडियो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बट इस पर देखने को मिला है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट हमें मिल जाता है, HDMI, ARC, कोएक्सियल इनपुट भी हमें मिल जाता है दोस्तों, ऑक्स इन, USB 3.0 का भी सपोर्ट मिलता है, ऐप सपोर्टेड, मतलब कि हम इस साउंड बार को ऐप के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। 120 वॉट का क्रिस्टल क्लियर साउंड हमें मिलता है, 2.1 चैनल स्टूडियो साउंड मिलता है दोस्तों, ऑडियो मोड्स हमें मिल जाते हैं, क्वाड ड्राइवर्स मिलते हैं साउंड बार पर, एंड 70 वॉट का दोस्तों इसका सबवूफर हमें मिल जाता है, साथ में हमें कैरियोके मोड भी मिल जाता है। सर बहुत सारे फीचर्स इस पर सारे गामा ने भर भर के दे रखे हैं, तो देखते हैं कि यार कितना बढ़िया हमें मिलता है ओवरऑल। तो चलिए दोस्तों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अब तो दोस्तों बॉक्स हमने ओपन कर लिया है एंड सारे कंटेंट को हमने टेबल पे रख लिया है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें यूजर मैनुअल मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी। दोस्तों हमें सारे गामा की एक बुक भी मिल जाती है, एंड इस बुक पर दोस्तों जितने भी गाने हैं उन सबके नाम मेंशन करे गए हैं, सो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। देखिए 1000 गाने हैं, तो 1000 गाने तक के इन्होंने दे रखे हैं इसमें, बहुत बढ़िया लगा है। देखिए साथ में हमें वॉल माउंट किट भी इस पर मिल जाती है, यानी कि हम साउंड बार को टीवी के नीचे वॉल माउंट भी कर पाएंगे। दोस्तों हमें रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, सो इसे भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। वाव, रिमोट भी इसका पुराने जमाने वाला ही फील करवा रहा है। देखिए हम अपने साउंड बार को ना रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। देखिए सारे गामा का बटन हमें मिल जाता है, BT, USB, AUX, HDMI, Coaxial, FM, ये सारे बटन्स मिल जाते हैं। साथ में हम वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, साथ में दोस्तों हम बेस एंड ट्रेबल को भी रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देखिए हमें कुछ म्यूजिक मोड भी मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक, मूवी, न्यूज, 3D, एंड यहाँ पर देखिए हमें बैलेंस वोकल्स म्यूजिक इसके लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं माइक के लिए। तो क्या है कि हम अपने साउंड बार को रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। तो हमें बैटरीज भी मिल जाती है पैनासोनिक की रिमोट कंट्रोल के लिए। दोस्तों हमें अडेप्टर भी मिल जाता है
ये अडेप्टर आई थिंक हमारे साउंड बार पे कनेक्ट होगा। एंड दोस्तों अडेप्टर की क्वालिटी जो है ना सीरियसली वो काफी बढ़िया हमें मिल जाती है। दोस्तों हमें ऑक्स केबल भी मिल जाती है एंड ऑक्स केबल की भी दोस्तों क्वालिटी देखिए यार आप, क्या तगड़ी क्वालिटी हमें मिल रही है। जो वायर की क्वालिटी है मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑक्स केबल हमें बॉक्स के अंदर मिलती है। साथ में दोस्तों हमें HDMI ARC केबल भी मिल जाती है। मतलब यार कारवा ने बॉक्स के अंदर सभी कुछ फिट करके दे दिया है, मतलब HDMI ARC केबल तक फिट करके दे रखी है एंड इसकी भी क्वालिटी दोस्तों बढ़िया हमें मिल जाती है। अब दोस्तों हम आपको एक स्पेशल चीज दिखाना चाहते हैं जो कारवा ने बिल्कुल अलग तरीके से दे रखी है, वो चीज देख के आपको मजा आएगा। तो दोस्तों जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था वो ये है, देखिए मतलब बॉक्स कितना बढ़िया लग रहा है इसका। एंड इस पर भी देखिए हमें कारवा की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड ये पूरा ब्लैक पे दे रखा है, बहुत प्रीमियम चीज लग रही है। अब इसे ओपन करके दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर हमें 2 वायरलेस माइक, साथ में हमें 4 सेल मिल जाते हैं। अब इन्हें ओपन करके दिखाते हैं आपको बढ़िया करके। वाओ यार माइक की क्वालिटी क्या बढ़िया लग रही है, देखिए पूरे मैट फिनिशिंग में हमें मिल रहे हैं ये। यार ये चीज तो काफी प्रीमियम लग रही है गाइस, मतलब कैरियोके का फीचर तो दे रहेगा, साथ में जो इन्होंने बॉक्स के अंदर पैक करके दे रखे हैं ये एंड माइक की जो क्वालिटी है मतलब मैट पे दे रखे हैं पूरे मैट ब्लैक पे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। एंड देखिए नीचे से हमें कारवा की ब्रांडिंग भी इन पर मिल जाती है एंड ऊपर देखिए दोनों में हमें पावर ऑन ऑफ के स्विच भी मिल जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज और इस पर बड़ी तगड़ी है, उस पर भी आपको मजा आएगा। देखिए इस पर जो हमें बैटरीज मिलती है ना ये भी ड्यूरासेल की है, मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूं इन्हें। ये देखिए गाइस ड्यूरासेल की बैटरी हमें दे रखी है माइक के लिए। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसके साउंड बार को थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका जो साउंड बार है इसका डिजाइन भी हमें थोड़ा यूनिक टाइप का मिल रहा है। दोनों साइड से देखिए दोस्तों हमें वुडन की फिनिशिंग भी मिल जाती है साउंड बार पर, ये थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप का लग रहा है, कुछ अलग तरीके से कर रहेगा मतलब। एंड सामने की तरफ से दोस्तों हमें ग्रिल मिल जाती है एंड इस पर हमें क्वाड ड्राइवर्स का सेटअप मिल जाता है एंड बीच में देखिए हमें सारेगामा की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। दोस्तों टॉप पर देखिए हमें बटन्स मिल जाते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, सारेगामा का बटन मिलता है, ये FM रेडियो के लिए बटन मिलता है, ब्लूटूथ का बटन मिलता है। यहाँ पे से दोस्तों हम HDMI या कोएक्सियल पर इसे यूज कर पाएंगे इस बटन से। दोस्तों हमें USB एंड ऑक्स के लिए भी देखिए अलग से बटन यहाँ पे मिल जाता है, सो हम पेन ड्राइव को भी प्लग इन कर सकते हैं एंड ऑक्स केबल को कनेक्ट करके इस साउंड बार को अपने टीवी PC लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों हमें माइक के लिए भी बटन मिल जाता है, साथ में हमें प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के भी बटन मिल जाते हैं एंड दोस्तों हमें वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज यानी कि प्लस माइनस के भी बटन मिल जाते हैं। दोस्तों यार बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी भी लग रही है इसकी, ABS प्लास्टिक का यूज करा गया है, बढ़िया लग रहा है मतलब ये। अब इसके थोड़े बैक साइड को डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसे वॉल माउंट कर सकते हैं, ऑप्शन हमें मिला हुआ है देखिए एंड बॉक्स पर हमें वॉल माउंट किट भी मिला हुआ था। साथ में दोस्तों हमें देखिए पोर्ट्स भी बैक साइड पर ही मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा डिटेल में। देखिए DC इनपुट पोर्ट मिल जाता है यानी कि यहाँ पर हमारा अडेप्टर कनेक्ट होगा। सबवूफर के लिए आउटपुट पोर्ट भी हमें मिल जाता है यानी कि इस पर दोस्तों हमें वायर्ड सबवूफर मिलता है। HDMI ARC का पोर्ट मिल जाता है, USB का पोर्ट मिलता है, ऑक्स का पोर्ट मिलता है, साथ में कोएक्सियल का भी पोर्ट हमें मिल जाता है। सो कनेक्टिविटी के हिसाब से भी देखा जाए तो सारे पोर्ट्स इन्होंने दे रखे हैं, बट हमें ऑप्टिकल का पोर्ट नहीं मिलता है। अगर ऑप्टिकल भी दे देते तो यार फिर तो कुछ कमी नहीं थी, मतलब सारी कनेक्टिविटी हमें मिल जाती। एंड दोस्तों नीचे से देखिए हमें रबर पैडिंग भी मिल जाती है साउंड बार पर, जिससे अगर आपको इसे टेबल पे प्लेस करना है तो आप इजीली कर पाएंगे। दिखा देता हूं मैं आपको कुछ इस तरीके से। एंड दोस्तों जो साउंड बार का टोटल पावर आउटपुट है वो हमें 50 वॉट्स RMS का मिलता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसके सबवूफर को भी डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों सबवूफर भी इसका काफी बढ़िया लग रहा है, गोलू मोलू सा सबवूफर लग रहा है इसका। एंड देखिए पूरा मैट ब्लैक पे ये दे रखा है। टॉप पर देखिए हमें सारेगामा कारवा की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड सामने की साइड से भी देखिए पूरा मैट ब्लैक पे दे रखा है ये। दोस्तों इस साइड पर हमें सबवूफर मिल जाता है, बट यार ये चीज मेंशन नहीं करी गई है ये कितने इंचेस का है, बट इसका जो टोटल पावर आउटपुट है सबवूफर का वो हमें 70 वॉट्स RMS का मिलता है। एंड इसके दोस्तों बैक साइड पर देखिए हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है एंड देखिए हमें प्रोटेक्शन भी लगा हुआ मिल जाता है, तो यार ये चीज बहुत बढ़िया कर रखी है इन्होंने। एंड इस पर हमें वायर सबवूफर मिल जाता है। दोस्तों इस पर जो वायर मिलती है ये भी हमें काफी लंबी मिल जाती है, सो आप इसे कॉम्पैक्ट एरिया में प्लेस कर पाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में दोस्तों नीचे से देखिए हमें छोटे छोटे इसमें रबर पैडिंग भी मिल जाती है, सो आप इसे प्लेस अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों जो इसका कैबिनेट है वो पूरा MDF का हमें मिल जाता है, मतलब वुडन कैबिनेट मिलता है। एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूं मैं आपको। सो देखते हैं बेस क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं एंड आपको इसे ऑन करके डेमो देते हैं।
तो दोस्तों यार हमने साउंड बार एंड सबवूफर को पूरा कनेक्ट कर लिया है, अब आपको हम इसका थोड़ा डेमो दे देते हैं। तो सर थोड़ा सा कैमरे को पास ले आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसे पावर ऑन करा, सबसे पहली चीज आपने ये देखने को मिल गई होगी कि यार इस पर हमें एलईडी डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो दोस्तों टॉप पर देखिए जो बटन्स मिलते हैं ना, इन्हीं पर हमें लाइट्स मिलती है। अब मैं आपको ये चीज करके दिखाऊंगा। देखिए अभी हमने जैसे कि ये ब्लूटूथ मोड में रखा है, तो देखिए ब्लू कलर की लाइट जल रही है, इन्हें ब्लूटूथ वाले मोड पे है, देखिए बटन पे। अब दोस्तों अगर हम इसे यूएसबी पे रखेंगे, यूएसबी मोड, देखिए ये यूएसबी पे आ गया है, मतलब आइडिया आपको मिलता रहेगा। ऑक्स मोड, यूएसबी एंड ऑक्स का एक ही बटन है, तो इन्होंने इसी पे ये दे रखा है। देखिए साथ में अगर हम कोएक्सियल पे जाएं, कोएक्सियल मोड, ये बोल भी रहा है, साथ में ये आ भी रहा है, मतलब आपको पता लग जाएगा। साथ में दोस्तों इन्होंने एक चीज और बढ़िया कर रखी है, वॉल्यूम पर जब हम इसकी मैक्स खोल देते हैं तो एक बीप साउंड आती है, वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए हम इसकी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ये देखिए जैसे हम इसकी जो वॉल्यूम है उसे पूरा मैक्स खोल देंगे तो एक बीप साउंड आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसका बेस एंड ट्रेबल को भी जब एडजस्ट करेंगे तो बीप साउंड हमें मिलेगा, जब मैक्स कर देंगे तब भी मिलेगा एंड जब हम लो कर देंगे तब भी मिलेगा। तो मैं आपको इसका भी टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बेस का देख लेते हैं, देखिए ये देखिए अभी हमने मैक्स कर दिया तो बीप साउंड आ रहा है, एंड सेम इसी तरीके से अगर हम ट्रेबल को भी मैक्स करेंगे तो बीप साउंड आ जाएगा। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार आपने बेस एंड ट्रेबल पूरा खोल रखा है या नहीं खोल रखा है, साथ में हमने कौन से मोड में रख रखा है, क्योंकि बटन्स पे लाइट जल जाती है, एलईडी इंडिकेटर्स दे रखे हैं, सारे गामा का एक बटन मिल जाता है। सो इससे क्या है कि ना दोस्तों जो हजार गाने हैं इनबिल्ट इस पे वो बच जाते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा। सारे गामा मोड, तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, मतलब हजार गाने हमें एवरग्रीन मिल जाते हैं इसमें, जो कि काफी बढ़िया है। ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप कुछ बढ़िया चीज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इसे, एक एंजॉय कर पाएंगे वो अपनी नाइट को या मॉर्निंग को एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ, बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों अब इस पर क्या है कि हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं एंड आपको इसका परफॉर्मेंस पूरा टेस्ट कराते हैं। बट दोस्तों यार ब्लूटूथ को कनेक्ट करने से पहले इसकी थोड़ी माइक क्वालिटी को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने माइक को देखिए इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, ब्लू कलर की लाइट जलने लग गई है एंड मैं एक बार आपको बोल के दिखा देता हूँ। हेलो, वाह, एको भी मिल रहा है हमें साथ में, ऐसे रिमोट कंट्रोल से हम एडजस्ट कर सकते हैं इसकी माइक की साउंड, वोकल्स, म्यूजिक, बैलेंस, हर तरीके से, मतलब रिमोट कंट्रोल से इसकी जो माइक की क्वालिटी है उसकी साउंड को हम एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में दोस्तों ये फीचर अच्छा है ना, सर कैमरे को थोड़ा पास ले आइए, देखिए अभी तो हमने इसे माइक मोड में रखा है, साथ में दोस्तों हम सारे गामा पे भी रख सकते हैं। तो क्या है कि यार आपके घर में अगर आपके दादाजी हैं या दादी हैं, वो पुराने गाने सुनने के शौकीन हैं, साथ में गाना भी गाना चाह सकते हैं, तो वो फैसिलिटी भी इस पे मिलती है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों माइक की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है एंड वो चीज मैंने बता दिया कि यार आप सारे गामा के साथ इसका मजा ले सकते हैं, मतलब पुराने जो गाने इसमें इनबिल्ट लोड कर रखे हैं उसके साथ कनेक्ट करिए एंड अपना भी गुनगुनाइए गानों को। तो गाइस मैंने माइक की क्वालिटी भी आपको काफी डिटेल में टेस्ट करा दी है एंड सीरियसली यार मुझे ये काफी बढ़िया लग रहा है, मतलब हाँ ये जो सारे गामा में जो इन्होंने प्री लोड गाने दे रखे हैं ये बज भी ऐसे रहे ना, मतलब पुराना फील आ रहा है इनको सुनने में, तो काफी अच्छा है। मतलब आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है तो डेफिनेटली आप गिफ्ट कर सकते हैं, मजा आएगा उन्हें। तो दोस्तों अब इसका हम डिटेल पे ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यार परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है, मतलब कि यार पुराने जमाने के लिए तो बढ़िया है, अब नए जमाने के लिए बढ़िया है या नहीं है ये चीज भी देख लेते हैं। सो देखिए हमने अपना फोन जो है वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है, प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करेगा तभी आपको साउंड क्वालिटी का एग्जैक्ट में पता लग पाएगा। एंड दोस्तों ये जो माइक वाला फीचर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे गामा वाले मोड में ही काम कर रहा है, ये ब्लूटूथ के साथ भी काम कर रहा है। एक चीज मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए कैरियोके मोड ऑन। तो दोस्तों हम ब्लूटूथ के थ्रू भी मतलब कैरियोके का मजा ले सकते हैं। I'm not afraid to die.
ऑडियो क्वालिटी आपको काफी डिटेल में टेस्ट करा दी है एंड आई थिंक आपको क्लियर पता लग गया होगा कि परफॉर्मेंस किस तरीके का हमें मिल जाता है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस आपको टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, अगर यार आप नए जनरेशन के हैं एंड आपको बिल्कुल पावरफुल बेस चाहिए एंड लाउडनेस काफी अच्छा चाहिए तब तो यार ये साउंड बार आपके लिए उतना बेटर ऑप्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ अगर आपको ऐसा साउंड बार चाहिए जिससे आपकी फैमिली भी एंजॉय कर सके एंड आप भी एंजॉय कर सके तो तब ये मॉडल काफी बढ़िया है। बट दोस्तों अगर आप लोग लेने की सोच रहे हैं तो यार वहां पर आपको कमी मिलने वाली है क्योंकि बेस उतना एक्सट्रीम लेवल का हमें नहीं मिलता है ना ही लाउडनेस उतनी बढ़िया मिलती है क्योंकि प्राइसिंग जो है दोस्तों इसकी 10,500 रुपीज है। सो उस हिसाब से दोस्तों ये न्यू जनरेशन के लिए तो उतना बेटर ऑप्शन नहीं है। बट हाँ अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं एंड उनको भी यूज करना है एंड आपको भी मतलब हल्का फुल्का यूज करना है तो यार वहां पे के लिए ये काफी बढ़िया ऑप्शन है। क्लियरिटी दोस्तों इसकी काफी बढ़िया है, आपको क्लियरिटी में कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। साथ में दोस्तों लाउडनेस भी ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल कम दे रही है बट दोस्तों उतनी हाई लेवल की नहीं मिलेगी जो कि आज के डेट में हमें साउंड बार्स पर देखने को मिल रही है। साथ में दोस्तों बेस क्वालिटी में तो कमी है यार, बेस क्वालिटी उतनी डीप हमें नहीं मिलती है जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो चीज मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दी है क्योंकि ये एक डिफरेंट सेगमेंट का साउंड बार है सो ये बना भी कुछ उसी तरीके से है। बाकी दोस्तों यार ये चीज अच्छी है कि साउंड बार पर ही हमें माइक के सपोर्ट मिल जाते हैं सो आप कैरियोके का मजा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसे टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार HDMI ARC के थ्रू किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें मिलता है। सेफ समझ के चुपचाप चला गया मेरे भाई का। मैं रहा हूं न्याय के दो पैरों पर। साउंड बार को टीवी के साथ भी कनेक्ट करके आपको पूरा टेस्ट करवा दिया है। सो कमेंट करके दोस्तों यार अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि यार आपको कैसा लगा है। दोस्तों टीवी वाचिंग पे मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कि यार मुझे मजा नहीं आया है, टीवी वाचिंग पे दोस्तों यार परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हमें मिल जाता है। हमने इसे HDMI ARC केबल के थ्रू कनेक्ट करा था एंड सीरियसली दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी बढ़िया हमें मिल रही थी, साथ में दोस्तों बेस क्वालिटी भी अच्छी थी, लाउडनेस भी काफी बढ़िया थी। सो अगर आपको टीवी वॉचिंग के लिए कोई बढ़िया साउंड बार परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके खुश हो जाएंगे क्योंकि पुराने एवरग्रीन सॉन्ग्स हमें इनबिल्ट इस पर मिल जाते हैं। बट दोस्तों मैंने आपको बताई दिया कि यार मुझे कौन जो लगा है वो इसकी बेस क्वालिटी है एंड थोड़ी सी लाउडनेस है जो कि म्यूजिक में हमें फील होती है, अगर वो चीज भी थोड़ी सी ज्यादा बेटर दे देते तो यार बहुत ही बेटर ऑप्शन होता। बट दोस्तों यार ये इस तरीके से बनाया है ताकि हर कोई इसको एंजॉय कर सके तो हम ये चीज बोल भी नहीं सकते कि यार इस ब्रांड ने वो चीज नहीं दी है। अगर ओवर पावर बेस दे देते इसमें या पावरफुल लाउडनेस दे देते तो यार हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। बट दोस्तों यार मुझे ये जो प्रोडक्ट है ओवरऑल बढ़िया लगा है क्योंकि देखिए हमें एक तो माइक का फीचर मिल रहा है जो कि सबसे यूनिक चीज है, मतलब आप इस पर सिंगिंग भी कर सकते हैं एंड अगर आप न्यू जनरेशन के हैं तब भी सिंगिंग कर सकते हैं, अगर आप पुरानी जनरेशन के हैं तब भी सिंगिंग कर सकते हैं, तो ये फीचर इस पर काफी बढ़िया हमें मिल जाता है। साथ में बॉक्स पर हमें 2 वायरलेस माइक मिल जाते हैं तो यार ये चीज भी मुझे काफी बढ़िया लगी है। साथ में दोस्तों टीवी वॉचिंग पे भी इस मॉडल का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हमें मिल जाता है एंड प्लस पॉइंट तो है ही यार कि 1000 गाने इनबिल्ट हमें मिल रहे हैं सो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ इस वीडियो में आपको काफी डिटेल में बता दिया है एंड अपना एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।